बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वक्त हम एक ऐसे घर में हैं जहां प्लम्बर की मामूली सी गलती की वजह से उस घर की तमाम टाइलों को तोड़ना पड़ा, वॉशरूम को दोबारा खोलना पड़ा और दोबारा मरम्मत के लिए लगाना पड़ा, क्योंकि प्लम्बर से कुछ गलती हुई थी जिसकी वजह से वॉशरूम में लीकेज शुरू हो गई और घर की पूरी दीवारों में बुनियादों में पानी जाना शुरू हो गया। जो मैं आपको वॉशरूम दिखा रहा हूँ, अब जो दोबारा टैले लग रही हैं, दोबारा इसकी पाइपिंग हो रही है। अब मैं एक जो इनके मिस्त्री हैं दोबारा बुलाए गए हैं, एक नए मिस्त्री, ताकि उनसे हम नुक्स भी मालूम कर सकें कि वॉशरूम में क्या नुक्स था और इसका सदेबाव कैसे किया जा सके। जो लोग नया घर बनाते हैं उन्हें पता चल सके कि घर में ये नुक्स अंथाई ज्यादा सख्त नुक्स होता है जिसकी वजह से पूरे घर में लीकेज भी शुरू हो जाती है और लाखों रुपये का नुकसान भी हो जाता है। मेरे इस दोस्त का कोई तकरीबन 5-7 लाख रुपए का तीनों बाथरूम लीक थे और तीनों की दोबारा मरम्मत हुई है। इनसे अब हम पूछते हैं जे कैसे नुक्स होता है। जी आपका नाम? जाकिर हुसैन। आप कितनी देर से ये काम कर रहे हैं? जी मुझे 6 महीने से काम कर रहा हूँ। किन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए जो लीकेज ना हो, उनके सदेबाव कैसे किया जाए? सबसे पहले तो ये बात है कि जब आप नया काम करवाते हैं ना, तो उसकी जो फंडीशन है वॉशरूम की, उसको मद्देनजर सबसे पहले रखा जाए। बाज़ औक़ात होता यह है कि कच्ची जमीन के ऊपर ही पीट रहा सीआई बिछा दी जाती है, ठीक है, सीवरेज लाइन को हम लोग सीआई बोलते हैं, वो बिछा दी जाती है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। आप दिखाएंगे तो जिस बात की आप बात कर रहे हैं वो कौन सी? सबसे पहले बता दो, सबसे पहले ये है कि जिस वॉशरूम का आप ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रहे हैं उसकी कम्पैक्टर करवाई जाए, ठीक है, ताकि जितना हो सके मैक्सिमम वो बैठ जाए। उसके बाद आपको चाहिए कि आप उसमें रोड़ी एडजस्ट करें। ये देखें, ये रोड़ी डली, ठीक है जी, ये करके उसके बाद फिर इसको कम्पैक्टिंग करवानी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद अगला सेटअप आ गया सीआई, ठीक है, वो हम आपको बताते हैं कि इसकी फिटिंग और इसकी ज्वाइनिंग और इसका यानी कि हर चीज का लीकेज का ख्याल कैसे रखना है। यार ये अब आप क्या शुरू कर रहे हैं जी? सर अब ये है कि जो मेन प्रॉब्लम आती है ना लीकेज की वजह जो होती है, जी जी, ये उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं जी। लीकेज पे ही बात हो रही थी कि लीकेज को खत्म जब एक घर बन रहा हो तो किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, खासकर वॉशरूम प्लम्बर के काम में? कि आपने जो ज्वाइनिंग हो वो प्रॉपर तरीके से हो। ये देखिए चरण जी, कुछ हमारे प्लम्बर हजरात इस पाइप को गर्म करके यहाँ तक कर देते हैं। अब इशू क्या होता है, जब आप इसको नीरू करके पट्टी करते हैं तब यहाँ से लीकेज होती है। बिल्कुल ठीक है, हालांकि ये तरीका का गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है। इसका तरीका कार अब आपको बताते हैं कि इसकी पट्टी कैसे होनी चाहिए। स्टॉप करो, जहां तक इसका रिंग है आपको नजर आ रहा होगा यहां तक होना चाहिए बस, ठीक है जी। निरुपड़ा आप पीट रफ और ज्वाइनिंग की जो फीलिंग है वो ऐसे होनी चाहिए। ये आप नीरू लगा रहे हैं जी, सीमेंट का? जी मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इसे देख सकें। ये है जिसका असल जॉइंट। इससे फिर अब जो असल जॉइंट आपने लगा दी है इसके बाद तो इसमें लीकेज नहीं, अब इसमें कभी भी लीकेज नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद जब इसकी फिटिंग मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद हम इसका वाटर टेस्ट करते हैं, इसमें वाटर डाल के इसको मैक्सिमम 6 से 8 घंटे हम लोग स्टॉप करते हैं। गेज भी लगाते हैं कोई साथ? बिल्कुल, गेज लगाने के बाद पता चलता है लीकेज है कि नहीं है। लेकिन अगर जो प्लम्बर थोड़ी सी इस काम में सुस्ती कर जाते हैं तो वहाँ लीकेज रह जाती है। ये किया ना कि जब प्लम्बर पाइप को लगाते ऐसे लगाते हैं तब इसके ऊपर सही पट्टी होती ही नहीं है, उसकी लीकेज यहाँ से होती है, क्योंकि जब भी आप पानी यूज करेंगे हमेशा से पानी नीचे वाली बॉटम से क्रॉस होता है, ऊपर तक नहीं आता, यहाँ से क्रॉस होता है।
और यही थोड़ा सा ख्याल मालिक को खुद रखना चाहिए उस टाइम प्लम्बर के साथ मौजूद होके, ताकि जे प्लम्बर थोड़ी सी मामूली सी जब इस काम में सुस्ती कर देता है तो मालिक का लाखों रुपये का नुकसान हो जाता है, खासकर इसी चीज का मालिक हो। दूसरी बात यह है कि जिन हजरात की लीकेज का मामला आ रहा है वो वॉशरूम तोड़वाने से पहले एक बार रब्ता जरूर करें हमसे, इंशाल्लाह हो सकता है तोड़ने की जरूरत ना पड़े। उसका क्या हल निकालते हैं वो हम लोग बताएंगे, जब जाएंगे वहाँ पे तब उनको हर चीज डिटेल के साथ बताएंगे, ऐसे ऐसे ये चीज ऐसी होती है। एक चीज और भी हमें देखने में आई है, मुख्तलफ वॉशरूम में स्मेल नहीं जाती, वो क्या वजह होती है? स्मेल की वजह ये होती है कि इसका पाइप जो है ना एयर पाइप है, उसे हम लोग एयर के पाइप कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमने बाहर इसका मेन पाइप डाउन किया, ठीक है, वहां पे बजाय टी की बजाय हम लोग एल्बो अक्सर लगा देते हैं, ठीक है, प्लम्बरदार एल्बो लगा देते हैं। जब आप उसको फ्लश करते हैं तो उसका जो अंदर ऑक्सीजन बनती है वही रिटर्न आती है, ठीक है, क्योंकि उसको बाहर और निकलने के लिए जगह नहीं होती, वो जब रिटर्न आती तब जाके स्मेल पैदा होती है। अगर बाहर टी लगा के उसके ऊपर गैस कवर लगाया जाएगा तो कभी ये इशू नहीं आएगा। ताकि हमें जो वॉशरूम में स्मेल आती है गंदगी की, उसके लिए हमें खास ख्याल रखना चाहिए। आपको नहीं, ये एल्बो के हवाले से या किसके प्लम्बर को क्या ख्याल रखना चाहिए? खुद मैं खुद भी हूं ना, तब मुझे ये चीज का ख्याल रखना चाहिए कि यार कल को इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर उसके ऊपर गैस कवर लगाएंगे कभी स्मेल नहीं होगी। जो छोटी छोटी गलतियां हैं जी, जो प्लम्बर की मामूली सी गलतियों की वजह से घर वालों को बेतहाशा नुकसान करना पड़ता है, अपना बर्दाश्त करना पड़ता है, इसके लिए हम जाकिर साहब के मशहूर हैं, ये काफी इस एरिए में बेहतरीन काम करते हैं, अल्लाह ताला इन्हें जजा दे एंट्रू देने के लिए। इस घर की आप पोजिशन देख लें कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कि प्लम्बर के काम खराब होने की वजह से जो एक माह से जो काम करवा रहे हैं और बेतहाशा प्रॉब्लम पे घर आया हुआ है। प्लम्बर का काम ठीक हो तो सारा कुछ इंशाल्लाह ठीक होगा। घर बनाते हुए प्लम्बर और बिजली के काम का खास ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।